चुनौती, साक्षरता ही है सफलता की कुंजी, इकलौती चुनौती। अज्ञान हटे शिक्षा के मिले जब मोती, इसी जोत से जीतेंगे हम जीवन की हर चुनौती चुनौती। नमस्कार, मैं रागेश अस्थाना और मैं नेहा शरद आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने चहेते प्रोग्राम जिसका नाम है चुनौती। भाई और बहनों, ये हमारा दूसरा पैनल है और हमारे पिछले विजेता भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, तो आइए हम मुलाकात करते हैं अपनी टीम चेतना और प्रेरणा से। हाँ तो बताइए आपका नाम क्या है? विलास। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए आपका नाम? भरत। भरत, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और अब हम बढ़ते हैं चेतना टीम की तरफ। आपका नाम? इमरान। आप पिछली बार बहुत बढ़िया खेले थे इमरान, और हम आशा करते हैं कि इस बार भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल। आप? उमेश। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आइए राकेश जी, अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट राउंड की तरफ। आइए आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला राउंड जो कि टीम गेम है। इसके लिए आपको 60 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसका नाम है अक्षर वर्षा। ये गुब्बारे आप देख रहे हैं, आपको इन्हें फोड़ना है। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रेरणा टीम के साथ में। आइए आपको इस छड़ी से गुब्बारों को फोड़ना है, और याद रखिए गुब्बारे फोड़ने के बाद आप वापस अपनी जगह जाएंगे और फिर इन्हें फोड़ेंगे, ठीक है? और याद रखिएगा अक्षर वर्षा होगी, एक अक्षर निकलेगा अलग अलग भागों में, आपको उसको जोड़कर अक्षर बनाकर वहां अपने बोर्ड पर लगाना है। अभी आपका समय शुरू होता है जो कि है सिर्फ 60 सेकंड, ठीक है? शुरू करते हैं अब। क्या बात है, जल्दी जमा कीजिए, आपके पास 60 सेकंड है, मतलब एक मिनट। कोई टुकड़ा छूटना नहीं चाहिए, कोई टुकड़ा छूटना नहीं चाहिए, 5 टुकड़े हैं इसके। जल्दी बनाइए अक्षर, जल्दी। अब बारी है चेतना टीम की। आइए चेतना टीम, आपके पास 60 सेकंड है जो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी, दूसरा भी फोड़ेंगे। अक्षर देख के समझ के फिर लगाने की कोशिश कीजिए, देखिए कौन सा अक्षर हो सकता है, कहाँ लग सकता है, इसे बनाने की कोशिश कीजिए अक्षर को समझ के। समाप्त हो गया। अक्षर बनाना हालांकि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उससे आपकी बहुत अच्छी पहचान होनी चाहिए, बहुत अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। और जैसे जैसे हम गेम खेलते जाएंगे, ये खेल खेलते जाएंगे, आपकी पहचान बढ़ती जाएगी अक्षरों से, है ना? जैसा कि नियम है, हम आपको स्कोर बता देते हैं। चेतना और प्रेरणा दोनों टीमों ने अभी अपना खाता नहीं खोला है।
राजेश जी, शादी के समय एक रस्म होती है जी। लड़की जब ब्याह के आती है तो उसके सामने बड़ी सी एक परात रखी जाती है जिसमें कि दूध होता है और लड़का लड़की दोनों उसमें से घर का कुछ सामान निकालते हैं। आपका इशारा हमारे अगले खेल की तरफ है। जी हाँ, इसका नाम है तलाश। चलिए उनको बता देते हैं। देखिए, ये है टीम गेम। इसमें आप लोग अलग अलग इस खेल को खेलेंगे, ठीक है। आपको करना ये है, यहाँ एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, दूध या पानी रखा है इसमें, मतलब दूध और पानी को मिलाकर। अब आपको इसमें से कुछ चीजें रखी हुई बहुत सारी, इसमें से कुछ चाबियां ढूंढनी है। उन चाबियों के ताले यहां पर है। अब आपको ये ढूंढना है कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है। जितने ताले आप खोलेंगे उतने ही अंक आपको मिलेंगे। एक ताला खोलने के आपको मिलेंगे पूरे 50 अंक। आपका समय शुरू होता है अब। अरे भाई, श्रोताओं को क्या हो गया? उसमें नंबर देखिए, उसमें नंबर चाबियों पे, चाबियों पे और तालों पे। चलिए, समय समाप्त हो गया, आइए बैठिए। राजेश जी, एक ताले के 50 अंक थे? हाँ बिल्कुल। अरे तो इन लोगों को तो 200 अंक मिले हैं। अच्छा, एक और है। अरे एक और है, एक मिनट नेहा जी, यानी 250। 250 अंक। अब बारी है चेतना टीम की, आइए आइए। आपका समय शुरू होता है अब। अब ताला मारो या अब ताली मारो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी, एक मिनट का वक्त है आपके पास, सिर्फ एक मिनट, एक मिनट। और समय बहुत कम है, समय बहुत कम है आपके पास। कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। सब पे नंबर लिखे हुए हैं, चाबियों पे भी और ताले पे भी। घड़ी की सुई घूमती जा रही है, आपका समय किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। ये देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे एक ही ताला खुला तो हमको ताला दे देना। हाँ लो भाई, एक तो खुल गया, एक तो खुल गया। हाँ, दूसरा भी खुल गया भाई। समय समाप्त होता है, चलिए आइए अपनी जगह पर बैठ जाइए, आइए। तो दूसरा राउंड समाप्त होने पर स्कोर हुआ है, चेतना टीम को मिले हैं 100 अंक और प्रेरणा को 250 अंक। ये खेल जो हम खेलने जा रहे हैं, इसका नाम अक्षर अंताक्षरी है। इसमें हम अपने प्रतियोगियों को गाना सुनाते हैं बारी बारी करके, मतलब पहले इस टीम को फिर उस टीम को, एक एक करके गाना सुनाते हैं। इनको पहचानना है आखिरी शब्द का आखिरी अक्षर, और उस अक्षर को उन अक्षरों के ढेर में से यहाँ पर अपने अपने बोर्ड पर उस अक्षर को लगाना है, ठीक है ना। और आपका समय है अक्षर ढूंढने से बोर्ड पे लगाने तक सिर्फ 20 सेकंड। सबसे पहले सुनते हैं प्रेरणा टीम के लिए गीत। ये रहा कबूल। सही शब्द ढूंढा भैया आपने, सही अक्षर ढूंढा। चलिए अब दूसरा गीत।
चेतना टीम के लिए। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आइए आइए जल्दी जल्दी जल्दी, 20 सेकंड है आपके पास, और ये रहा आपका बोर्ड। अगला गाना प्रेरणा टीम के लिए। मैंने कहा तुझे हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, आईने कहा जीवन है भाई मेरे घर कटने के लिए। भागे 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 भागे, वाह भाई वाह 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 वाह, अब तक दोनों टीमों ने बराबर अक्षर ढूंढे हैं। चलिए चौथा गाना सुनाते हैं अभी टीम चेता के लिए। अपराध में हर बार करता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बारी है इनकी जी, प्रेरणा टीम की बारी है अब। ऑडियंस बताएगी नहीं, सही बताएगी नहीं आप लोग। प्रेरणा टीम ने तो तीनों अपने अक्षर ढूंढ लिए, अब आपका मौका आखिरी है ये, ठीक है? चलिए शुरू कीजिए इनके लिए गाना। तेरा पानी अमृत घर घर बहता, क्या बात है। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। आगे यहाँ बोर्ड पर लगे हुए अक्षरों से आपको बारी बारी एक शब्द बनाना है। पहले प्रेरणा टीम जाएगी और इसके लिए समय दिया जाएगा सिर्फ 20 सेकंड। आपका समय शुरू होता है अब। समय निकल गया, चलिए आइए बैठ। चलिए कोई बात, कोई बात नहीं, चलिए आपकी बारी, आइए एक मिनट, आपका समय शुरू होता है अब। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप देखते हैं कि इस राउंड का स्कोर क्या हुआ है। चेतना टीम को मिले हैं 350 अंक और प्रेरणा टीम के हैं 300 अंक। और हमारे फाइनल स्कोर हुए हैं, चेतना टीम को मिले हैं 450 अंक और प्रेरणा टीम को मिले हैं 550 अंक। चलिए चलते हैं हमारे हमारे चौथे राउंड की तरफ। खूब खेल लिए, खूब मस्ती कर ली, गाने भी गा लिए, गाने भी सुन लिए, अब थोड़ा सा दिमागी कसरत हो जाए थोड़ी सी। हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप जानते हैं 6 सवाल हैं। हर सवाल के जवाब के लिए आपके पास 10-10 सेकंड का समय है और आपका पूरा समय है 1 मिनट का। सबसे पहला सवाल, जंगल का राजा किसे कहते हैं? शेर। बहुत बढ़िया। चाचा नेहरू का मनपसंद फूल कौन सा था? गुलाब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किस महान व्यक्ति को हम बापू कहते हैं? गांधी। बहुत बढ़िया। सारे सवालों के जवाब। एक पारी में पूरे के पूरे 10 विकेट लेने का श्रेय किस भारतीय गेंदबाज को? कुंबले। बहुत
बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवाल खत्म होने से पहले जवाब मिल गया भाई। मुंबई किस महासागर के किनारे बसा है? अरब सागर। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते? सात। सात। पहली बार हमारे किसी प्रतियोगियों ने सारे के सारे सवालों के जवाब सही दिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर ये बच्चे पढ़ाई भी बहुत अच्छी करें, इन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिले, तो ये कहां से कहां पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब आपकी बारी है। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा तेज भागने वाला जानवर कौन सा है? चीता। अरे वाह। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हैं। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? जल्दी सोचिए, 10 सेकंड है। कहाँ हुआ था, किस मैदान में, उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था? चलिए आपका समय, आपका समय समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। टॉम और जेरी ये क्या है? टॉम और जेरी जो कार्टून्स आते हैं वो क्या है? मिकी माउस। मिकी माउस नहीं। आपका समय समाप्त होता है। टॉम एक बिल्ले का नाम है और जेरी एक चूहा है। किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा टेस्ट में शतक बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर। नहीं। जल्दी जल्दी। सौरव। नहीं। अजहरुद्दीन। बिल्कुल नहीं। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। ये अंक हमें दे देते हैं। मेरे ख्याल से इनको नंबर दे देने चाहिए। इन्होंने 4 सवालों के सही जवाब दिए हैं। और आइए अब हम देखते हैं कि फाइनल स्कोर क्या हुए हैं। इस खेल में चेतना टीम को मिले हैं 40 अंक और प्रेरणा को 60 अंक और टोटल स्कोर हुआ है चेतना टीम के 490 और प्रेरणा टीम है 610 पे। अरे वाह 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 वाह। राकेश जी, इमारत बनाना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल। एक एक ईंट जोड़कर पूरी इमारत बनती है। हाँ, और फिर उस इमारत को हम समझ गया, आपका इशारा हमारे 5वें राउंड की तरफ है। जी हाँ, जिसका नाम है इमारत। चलिए आइए, आप लोग इस तरफ चले, मेरे साथ आइए। ये संभल कर आप उस तरफ, प्रेरणा चेतना टीम इस तरफ और प्रेरणा टीम इस तरफ। आप देख रहे हैं ये इमारत बनी हुई दीवार जैसी, इस पे लिखा हुआ प्रेरणा जो कि आपकी टीम का नाम है और इस पे लिखा है चेतना जो कि आपकी टीम का नाम है। अब आपको करना ये है कि मैं जैसे ही समय शुरू होगा, मैं समय शुरू होने से पहले इस धागे को निकालकर इस सारी इमारत को नीचे ढह दूंगा। सिर्फ रहेगी ये पहली वाली लाइन, ये पहली वाली लाइन। आपको इस इमारत को नीचे से उठाकर एक एक ईंट जोड़कर बिल्कुल ऐसी इमारत बनानी है जैसी है। ये है ग्रुप गेम यानी कि सामूहिक खेल, इसीलिए आपके पास सिर्फ 90 सेकंड का समय होगा। बिल्कुल। अब मैं इस धागे को निकालकर इस सारी इमारत को नीचे गिरा रहा हूँ। आपका समय शुरू होता है अब। जो है क्यों भाई बैठे हैं इस तरह, ताली मारिए, उत्साह दीजिए।
तालियां भाई, तालियां इनको उत्साह दीजिए। इनके पास सिर्फ 1.5 मिनट है, समय समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं भाई, हमारे प्रेरणा टीम ने तो 2 लाइनें बना दी, पूरी 2 लाइनें आइए। और चेतना टीम ने 1 लाइन तो पूरी बनाई है और दूसरी के अधूरी लिए। दूसरे के लिए इनको आधे मार्क्स दे देते हैं जी, यानी कि 25 पॉइंट। ठीक है, हाँ। तो प्रेरणा टीम को मिलते हैं पूरे 100 अंक और चेतना टीम को 75 अंक। चलिए आइए आइए बैठते हैं। राजेश जी, जी इस राउंड के अंक तो आपने बता दिए हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ जाकर हमारा फाइनल स्कोर क्या हुआ है। चेतना टीम को मिले हैं 565 अंक और प्रेरणा टीम को मिले हैं 710 अंक। वाह भाई वाह। हमारे अगले राउंड का यानी कि छठे और आखिरी राउंड का नाम है हॉकी। चलिए बताते हैं प्रतियोगियों को जी। ये है हॉकी स्टिक और ये गेंदे, 2 अलग अलग रंग की गेंदे हैं। ये करना ये है कि एक टीम का प्रतियोगी यहाँ पर, और याद रखें ये टीम गेम है, तो आप लोग इसे बारी बारी खेलेंगे और आपको दिए जाएंगे सिर्फ 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट। एक टीम का प्रतियोगी इस रंग वाले बॉल या जो भी रंग का गेंद हो यहाँ लेकर यहाँ से चलना शुरू करेगा और दूसरा उस तरफ से चलकर वहां आएगा। यहां पहुंचने के बाद ये 2 पीली झंडियों के पास बॉल को ढकलते हुए जब आप यहां पहुंचेंगे तो आप अपनी दोनों की गेंदें एक दूसरे से बदलकर फिर घूमकर उसी जगह जाएंगे जहां से शुरुआत की थी, इस तरह। लेकिन याद रखें गेंद इस पथ के बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर बाहर गई आपको फिर उसे वापस लाकर उतना ही समय आपका भी बर्बाद होगा। ठीक है, अब आपके अंक हर झंडे को पार करते हुए आपको 10-10 अंक मिलते जाएंगे, मतलब हर झंडे के 10 अंक हैं। अगर आपने पूरा सफर तय किया तो आपको मिलेंगे बोनस 100 मार्क्स। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, इनको कितने अंक मिलते हैं? इनको 200 अंक तो पिछले राउंड के लिए मिलते हैं क्योंकि पूरे राउंड के 100 अंक और राउंड का जो बोनस है उसके 100 अंक और मिले हैं, और अब जो इन्होंने खेला है उसके लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 अंक मिलेंगे। क्या बात है, मतलब पूरे 280 अंक। आइए बैठ जाइए, बहुत बढ़िया खेले आप, बहुत बढ़िया खेले, वापिस अपनी जगह पे ले जाइए। अब बारी है चेतना टीम की, आइए चेतना टीम। चलिए समय शुरू होता है अब। आराम से पथ से बाहर न जाना पाए, पथ से बाहर जाने ना पाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भागे 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 भागे।
समाप्त होता है। समय समाप्त होता है। बहुत बढ़िया खेला है लोगों ने। आतुनिया जी कितने अंक मिलते हैं इनको? राकेश जी इन्होंने एक राउंड तो पूरा खेला है, उसके इन्हें 100 अंक मिलेंगे और बोनस के 100 अंक मिलेंगे, लेकिन दूसरा राउंड ये आधा ही खेल पाए थे इसलिए सिर्फ 100 अंक। ठीक है, तो इनके टोटल हुए 300 अंक। बिल्कुल। चेतना टीम ने जीते हैं 300 अंक और प्रेरणा को मिले हैं 280 अंक। और आज का हमारा फाइनल स्कोर हुआ है चेतना टीम के 865 अंक और प्रेरणा टीम को मिले हैं 990 अंक। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दूसरे फाइनल राउंड के विजेता है प्रेरणा टीम। शिक्षा ही हमारे जीवन को का खा गा का मार्ग दिखाती है, तभी हम जीवन की हर स्पर्धा में किसी भी चुनौती भरे प्रश्नों के उत्तर हंसते खेलते दे सकते हैं। आपसे बिखरे अक्षरों को बटोर कर पूरी बात बनवाती है, आपके मुश्किल कामों को आसान बनाती है, आपके मस्तिष्क के बंद ताले की कुंजी है। एक छोटा सा दिया अंधेरे दूर कर सकता है, तो हम शिक्षा के दीप जलाकर अनपढ़ों में रोशनी क्यों नहीं बांट सकते? आपसे हमें बहुत सी चेतना और बहुत सी प्रेरणा मिली है, हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सबका भी जो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। चुनौती साक्षरता की है सफलता की कुंजी, इकलौती चुनौती। अज्ञान हटे शिक्षा के मिले जब मोती, इसी जोत से जीतेंगे हम जीवन की हर चुनौती। चुनौती